तो आप सभी के लिए फिर से एमीवी बंटाई एंड कृष्णा के बारे में कुछ अपडेट लेके आया जो आप सभी के लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पहली अपडेट है कि कृष्णा का जो मचाएंगे फोर था, जिसके वजह से इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई, आप सभी को बता दूँ उससे 5 दिन के अंदर 10 मिलियन व्यूज़ हो चुके हैं और साथ ही साथ अभी तक वो नंबर वन ट्रेंडिंग पे चल रहा है। उसके बाद उस पर कमेंट भी अच्छे हो चुके हैं, 300K के ऊपर यानी कि 3 लाख के ऊपर उस पर कमेंट हो चुके हैं, आप सभी को दिख ही रहा हूँ। लेकिन ऐसे में आप सब बता दूँ एमीवी बंटा के मचाएंगे फोर ने कौन कौन से रिकॉर्ड बनाए, तो आप सभी को बताते चलूँ एमीवी बंटा के सॉन्ग ने 24 घंटे के अंदर आप सभी को दिख ही रहे हो 3.8 मिलियन व्यूज़ ले लिए। और साथ ही साथ एमीवी बंटा ने स्टोरी के अंदर कुछ डालते हुए बताया कि 3.8 मिलियन व्यूज़ वो भी ऑर्गेनिक हैशटैग इंडिपेंडेंट यानी कि खुद के दम पर, और साथ ही साथ कुछ और लिखा आप सभी को दिख ही रहे हो। तो आपसे बता दूँ 24 घंटे के अंदर एमीवी बंटा के 3.8 मिलियन व्यूज़ हो चुके हैं यूट्यूब पर। लेकिन ऐसे में आपसे बता दूँ ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा बहुत सारी पब्लिक मतलब रिएक्ट कर रही है कि कृष्णा जीत चुके हैं। लेकिन ऐसे में आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है कौन जीता। इसी के साथ आपसे बता दूं जो भी एमीवी बंटा के फैन हैं उन सबको बता दूं आप सभी के लिए एक बड़ी इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है कि आपने खुद हाफिज के हीरो देखेंगे विद्युत जमाल, उन्होंने उनको सपोर्ट किया, उनके सॉन्ग पे एक रील्स बनाई जो कि बॉलीवुड के जाने माने हीरो है। तो आप सबसे पहले छोटी मोटी रील्स देख लीजिए किस तरह से उन्होंने बनाई। आपने छोटी मोटी स्टोरी देखी लेंगे, आप सभी को बता दूं बॉलीवुड के जाने माने हीरो ने भी एमीवी बंटा को सपोर्ट किया, तो इसी पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और इसी के साथ आप मुझे कमेंट करके बताइए आप किसके साइड है, एमीवी बंटा के साथ या कृष्णा के, कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए।